मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो आपका फिर से एक स्वागत है नए ब्लॉग में। तो अभी सुबह के करीब 6 बजे हुए हैं और देख सकते हो कि पेरिस में पूरा भी रात जैसा माहौल है। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सूरज जो है लेट उठता है, आई थिंक अराउंड 8 बजे के आसपास विंटर चल रहा है। तो क्योंकि अभी ट्रांसफॉर्म हो रहा है विंटर में, अब थोड़ा बारिश भी हो रहा है। तो आज मैं जा रहा हूँ बेल्जियम बेसिकली ब्रसेल्स शहर, जो बेल्जियम की राजधानी है वहाँ पे। तो हम लोग आज सफ़र करेंगे पेरिस से फ्लेक्सबर्ग से थ्रू। करीब 4-5 घंटे का सफ़र रहेगा बस में, फिर हम ब्रसेल पहुँच जाएंगे। तभी मैं 7 बजे का मेरा बस है और मैं 7 बजे जो है बस पकड़ूँगा, फिर वहाँ से देखते हैं पहुँचते हैं 10-11 बजे पहुँच जाऊँगा और फिर वहाँ से हम जाते हैं आगे और देखते हैं कैसा रहता है ब्रसेल्स। सर, मैंने फ्लेक्स बस का सफ़र आपको दिखा चुका हूँ पहले से ही, तो मैं डायरेक्टली जो है बस में बैठता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, देखता हूँ। अगर कोई आज मैं थोड़ा मॉर्निंग में सफ़र कर रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा यूरोप का व्यू देख सकूँ। इससे पहले मैंने नाइट को सफ़र किया था स्विट्ज़रलैंड के लिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि मॉर्निंग में करते हैं सफ़र, थोड़ा हम ब्यूटीफुल चीज़ें देख पाएंगे। और उसके बाद मैं एम्स्टर्डम भी आने का प्लान है मेरा, नीदरलैंड में, और फिर उसके बाद फ्रैंकफर्ट एंड देन लक्ज़मबर्ग। सो पहले चलते हैं ब्रसेल्स शहर एंड देखते हैं कैसा दिखता है ब्रसेल्स शहर।
ये जो भाई हम आ गए हैं और ये मेरा बस था ब्रसेल में, और ये आई थिंक इन्होंने सिटी सेंटर के आसपास छोड़ा है। और ये जो है आप देख सकते हो पूरा बड़ी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पे, और यह बहुत अच्छा है। देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे, आई थिंक थोड़ा सेंटर टाइप का बनाया हुआ है। देखते हैं ये वाला फ्लेक्स जोन ए है, तो यहाँ पे उन्होंने छोड़ा था बस ने मेरे को, तो चलते हैं फिर देखते हैं और कहाँ पे एक्चुअली हमको जाना है। पहले तो मैं फ्रेश होते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कहाँ जाना है, मेरे को देखना पड़ेगा पहले तो यहाँ पे बस का जो है पास कहाँ से बनता है। ये देखो भाई यहाँ पे BMW का बाइक यूज़ कर रहे हैं पुलिस वाले लोग। और ये जो है इनका जो है सेंटर, और ये है यूरोपियन यूनियन का झंडा, और ये है बेल्जियम का झंडा। हल्की हल्की बारिश हो रही है, वैसे मौसम अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा है यार, ये तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, पहले से तो अच्छा लगा थोड़ा, मतलब अलग है, हल्का सा अलग है, थोड़ा मॉडर्न है और मिक्स है, जो आर्किटेक्चर है हल्का थोड़ा अलग लग रहा है मेरे को। ये वाला जो है यहाँ का आई थिंक बस स्टॉप है थोड़ा, देखते हैं आसपास क्या है। फिर सिटी सेंटर के आसपास है हम लोग, देखते हैं यहाँ से मेरे को भी जाना पड़ेगा। एक सेंटर है यहाँ पे द ग्रैंड प्लेस करके है, वहाँ पे थोड़ा मतलब कि अच्छा बना हुआ है, थोड़ा ऑल टाउन टाइप का बना है अच्छा बड़ा से, और बड़े बड़े जो है वो है मतलब ऑल जो है बिल्डिंग मॉन्यूमेंट वाली बिल्डिंग है वो है। देखते हैं, वो बहुत सुंदर है, सुंदर में आया था तो देखते हैं। पहले तो मैं कहता हूँ कि बस कार्ड कहाँ मिलेगा मेरे को, अभी दिख नहीं रहा यार, वहाँ पे थोड़ा इजी था, स्विट्ज़रलैंड में था तो वहाँ पे बस स्टॉप के पास ही था बस कार्ड, यहाँ पे दिख नहीं रहा है कहीं पे बस कार्ड। प्रसेस आते हो तो आप इस टाइप का जो है एक बस पास ले सकते हो, और ये जो है यहाँ पे मिलेगा कियोस करके है, मोस्टली कियोस जो है रेलवे स्टेशन में रहता है, रेलवे स्टेशन वगैरह के आसपास रहता है, और फिर बस स्टॉप में तो ऐसा कुछ रहेगा, और इसके थ्रू आप जो है पूरा मेट्रो बस सब कुछ कर सकते हो। तो एक यहाँ मशीन भी है आई थिंक, यहाँ से भी मिल जाएगा मेरे ख्याल से, इंग्लिश में देखते हैं तो मे बी आई थिंक होना चाहिए। या सी यू कैन सी द डे पास हियर एज़ वेल। तो भाई मैं आ चुका हूँ इनके जो है ट्रैम स्टेशन, और ये ऐसा कुछ है इनका ट्रैम स्टेशन। मेरा जो है 4 नंबर है जो डायरेक्ट लेके जाएगा पैलेस, ये ग्रैंड पैलेस की तरफ, तो लेट्स सी वेट करते हैं कैसा है भाई इनका जो है ट्रैम। यहाँ तक बैट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, वीजा कार्ड मास्टर कार्ड से भी डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो, 2 लाख कर जाएंगे पास है तब तक यहाँ से पेमेंट कर सकते हो, ये पास जो है वो जाना है बोरस करके, वहाँ पे प्लेस का जो है मिल जाएगा हमको। सेल्स का जो है थोड़ा एक सेंटर लगा टाइप का है ये, और ये सिटी सेंटर है। अभी मैं ग्रैंड प्लेस साइड जा रहा हूँ, आई थिंक वो जो दिख रहा है वो ग्रैंड प्लेस साइड है। देखते हैं कुछ खाने का, फिर देखते हैं कहाँ जाना है। तो ये है भाई, मैं अभी जा रहा हूँ जो है ग्रैंड पैलेस की ओर, और यह बहुत ब्यूटीफुल गली है, यहाँ पे चॉकलेट्स के लिए बहुत फेमस है ये जो है अपना बेल्जियम, तो यहाँ पे आसपास बहुत सारे चॉकलेट के जो है सुवेनिर के शॉप्स हैं, तो अभी यहाँ चॉकलेट ले सकते हो। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा महंगा रहेगा, 200 घंटा है, बट फिर भी देखते हैं। ये समझ नहीं रहा, यहाँ पे देखो मैगनेट मिल रहा है 2 यूरो में आसपास, तो आकर देखते हैं पहले, तभी घूमते हैं थोड़ा आसपास, जैसे जाने के लिए मेरे को यहीं पर आना पड़ेगा। और ये आ गया अपना सेंटर, वाओ वाकई में बहुत ब्यूटीफुल है भाई ये, आई थिंक कुछ चल भी रहा है, कंसर्ट वगैरह चल रहा है कुछ यहाँ पे, बट ये देख सकते हो यही है जो है इनका जो है सेंटर जो है मतलब ग्रैंड पैलेस करके है कुछ है, फिर भी थोड़ा सेंटर टाइप लग रहा है, तो ये बड़ा फेमस। और हाँ वैसे तो लग रहा है बहुत अच्छा इन लोगों ने बना कर रखा है ग्रैंड पैलेस को। भाई बहुत तेज़ से बारिश हो रही है यहाँ पे, देखिए तो सब लोग छाता लेके घूम रहे हैं,
और ये भी बड़ा फिसलन बड़ा हो गया, रोड भी हल्का हल्का चल रहा है। अब बहुत ही हॉल्ट गलियाँ हैं ये, इधर शॉप्स वगैरह हैं, फ्राइज वगैरह हैं यहाँ पर मिल रहे हैं, चॉकलेट्स वगैरह हैं। देखते हैं अभी जब जाएंगे तो उधर सविंदर में लेते हुए जाएंगे चॉकलेट्स वगैरह। अभी मैं एक और मॉन्यूमेंट में जा रहा हूँ जो सिटी सेंटर के पास ही है, जो पी कर रहा है, एक जो है एक जो छोटा सा बच्चा है वो पी कर रहा है, तो उसका जो है यहाँ पर एक मॉन्यूमेंट है और वो बहुत फेमस है बेल्जियम में। और यहाँ पे एक ऐसी कुछ गली भी है मेरे ख्याल से जहाँ पे बहुत सारे जो है कार्टून्स बने हुए हैं, लाइक दिस वन। और देखते हैं आसपास जितना घूम सकते हैं क्योंकि मेरे पास टाइम तो बहुत कम है वैसे। और ये आई थिंक यूरो स्टाइल का कुछ है, पूरा यूरोप का जो है इसमें लगा हुआ है लोगो वगैरह। और आ गया सोविनियर शॉप्स वगैरह। यहाँ पे ये वाले चॉकलेट का जो है ब्रांड मैं बहुत देख रहा हूँ, लियोनिडास करके है आई थिंक ये वाला, तो ये दो तीन सौ देखिए मैं अभी चलते चलते मैं भी आई थिंक ये फेमस होगा थोड़ा चॉकलेट के लिए। और मुझसे यहाँ पे चॉकलेट्स ही मिल रहे हैं। एक चॉकलेट म्यूजियम भी है तो आप जा सकते हो एक्सप्लोर करने चॉकलेट म्यूजियम। तो भाई हम घूमते घूमते आ गए सर गलियों के पास पास होते हुए मैनकेन पीस वाला, जो यहीं पे है। ये जो है जू कर रहा है अपने ऐसे फवारा है ऐसे टाइप का कुछ, ये बहुत पुराना है आई थिंक, आज यूनिवर्सिटी का कुछ वो है तो इनको पहना दिया है जो वहाँ पे हो रहा था एक कार्यक्रम। और ये आसपास सीनियर का तो ये फेमस है यहाँ पे। और ये इनकी जो है पतली पतली गलियाँ, बहुत सुंदर सुंदर यूरोप की गलियाँ, फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं देख सकते हो। ये कितना भीड़ है यहाँ पे देखते हुए। और यहाँ पे सोविनियर भी इसके मिल रहे हैं बहुत सारे तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, बफेल बहुत फेमस है यहाँ पे, तो बहुत सारे बफेल यहाँ पे मिल रहा है। मैंने ये वाला बफेल लिया ट्राई करने के लिए, मैं भूख भी लग रहा था मुझे, तो लेट्स सी अगर बैठे खाओगे तो ये था 7 यूरो का, और बाहर जा खाते तो कम में मिल सकता है, तो मैंने 5 यूरो के आसपास का तो मैंने वो ले लिया है। देखते हैं कहीं बैठ खाते हैं आराम से। यहाँ बहुत पानी गिर रहा है बट यहाँ से एक और मॉन्यूमेंट जा रहा हूँ, यहाँ पे इनका एक चौक आ गया है। बहुत अच्छी सिटी यार, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है बिल्कुल। आई थिंक यहाँ रहोगे तो बहुत सारा करने को कुछ नहीं है बट हाँ, लेकिन अच्छा लग रहा है उस टाइम के लिए, तो अभी तो अच्छा लग रहा है टूरिस्टिंग के लिए। भाई आ गए हम एक और मॉन्यूमेंट में, ये बहुत छोटी सी कार है भाई स्मार्ट की, ये एक मॉन्यूमेंट है, इसके पीछे एक थोड़ा सा गार्डन गार्डन टाइप का है, वहाँ पर जाते हैं देखते हैं। ये है भाई, हम आ गए यहाँ पे जो एक्सपर्ट की है लगी हुई है। और ये जो है बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल में है। और ये है आई थिंक वही जो है ना ऊपर से जो फ़ोटो खींचते हैं अच्छा दिखता है, यहाँ से छोटा सा ये गार्डन टाइप है ये, और इस गार्डन का जो फ़ोटो है ना ऊपर से खींचो तो ज़्यादा अच्छा दिखता है, यहाँ से तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है ये। यहाँ से नॉर्मल गार्डन टाइप दिख रहा है बट आई थिंक जब ऊपर से जो देखोगे आप तो थोड़ा अच्छा दिखता है ये, तो चलते हैं ऊपर।
छोटे छोटे फव्वारे यहाँ पर लगे हुए हैं। ये फर्स्ट प्रोफिटेबल है, यहाँ पर चलना भी सही रहेगा। यहाँ पे लोग थोड़ा मिट्टी टाइप का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं पता नहीं, ज़्यादातर यूरोप में ऐसे यूज़ होता है। ये लोग वो सीमेंटेड नहीं करते इसको। वैसे सब साफ सुथरा है कंपेयर टू पेरिस से, तो ज़्यादा साफ सुथरा है शहर ये सेल जो है। और मेट्रोस वगैरह जो मैंने बैठे थे वो भी अच्छे थे, नए टाइप के थे। जैसे पेरिस में बहुत सारे ओल्ड मेट्रो चलते हैं ना, यहाँ पे नहीं चलते उस टाइप से ओल्ड है, मतलब न्यू दिखी मेरे को। यहाँ पे भी हाफ नेकेड आर्किटेक्चर बने हुए हैं मोस्टली। यहाँ पे ज़्यादातर पेरिस में भी था बहुत सारा चीज़, वो थोड़ा ओपन सोसाइटी थी। तो भाई देख लो नज़ारा जो गार्डन का है ऊपर से, बाकी बहुत सुंदर लग रहा है। और बेल्जियम का भी नज़ारा दिख रहा है। ये वहाँ पे हम लोग गए थे जो ग्रैंड पैलेस है वहाँ का है ये। और इधर है, यहाँ पे गोल्डन घड़ी भी लगी हुई है। और यहाँ बेल्जियम का नज़ारा, तो यहाँ पे देख लो भाई, मैं जा रहा था तो यहाँ पे मिला डॉक्टर कूस। ये लीगल जो है सिक्योरिटी, यहाँ जो है लीगल वीड शॉप है। और ये एक और मॉन्यूमेंट, मोस्टली आई थिंक मैंने जो सेंटर के आसपास का इलाका है कवर कर लिया है बेल्जियम का। अब चलते हैं थोड़ा हम जो है एम्स्टरडम की तरफ। तो मैं फिर अब ट्रेन पकड़ के जो आया था, मेट्रो पकड़ के जा रहा हूँ मैं सेंटर की तरफ, मतलब जहाँ पे मतलब कि मेरा बस था फ्लेक्सी बस, और वहाँ से मैं एम्स्टरडम के लिए बस पकड़ूँगा। फिर मैं भी बस स्टॉप से बाहर निकला हूँ जस्ट वहाँ से आके। आप देख सकते हैं थोड़ा एक मतलब मॉडर्न एरिया है थोड़ा ये ब्राज़ील का, ये पूरा बड़ी बड़ी बिल्डिंग की तरह है। यहीं पे जो एक्सप्रेस का जो है स्टॉप है इधर ही है, देखते हैं। मैं सोच रहा था कि कुछ अच्छा कुछ देखने का रहे देख सकता हूँ, बट लेट्स सी। ऐसी कुछ बसेस चलती हैं यहाँ पे, टिपिकल बसेस। ये भी देख रहे भाई कैसे रोड साफ होता है यहाँ पे, ड्रिल मशीन से होता है रोड साफ़।